नमस्कार दोस्तों, बिराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो अपडेट होते रहें। आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में सीखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। देखिए भाई, एग्जामों में कोई क्वेश्चन यदि त्योहारों के बारे में आता है तो वो हमको विक्रम संवत की तिथियां हमको विकल्पों में दी जाती हैं। विक्रम संवत कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये सीखे। विक्रम संवत ईसवी सन तो हमको हमेशा याद रहता ही है। जैसे 2020 चल रहा है, ईसवी सन है, गई साल 2019 गया, ईसवी सन था। 2021 आने वाला है, ईसवी सन होगा। जो भी ईसवी सन होता है उससे ये 57 जोड़ करके हम विक्रम संवत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब बात करें 2020 की, ईसवी सन चल रहा है 2020, प्लस कर दें 57, 57, तो विक्रम संवत हमारे हाथ में होगा। विक्रम संवत चल रहा है अभी 2077। एग्जाम की दृष्टि से शक संवत का नॉलेज भी हमको होना चाहिए। शक पीछे चलता है, शक संवत यदि हमें कभी निकालना है, क्योंकि इस पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, संविधान राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को मान्यता देता है। देखिए दोस्तों, शक संवत निकालने के लिए पीछे चलता है। शक संवत निकालने के लिए ईसवी सन में से -78 घटा देते हैं। अब जैसे ईसवी सन चल रहा है हमारा 2020, माइनस कर दो 78, 1942। तो हमें तीनों ही प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। अब ईसवी सन से तो हम हमेशा अच्छे ढंग से परिचित होते ही हैं। विक्रम संवत यदि हमें निकालना है तो 57 प्लस करना है। ईसवी सन में 57 जोड़ दें, विक्रम संवत हमारे हाथ में होगा। 2077 हो गया। शक संवत निकालना है, ये पीछे चलता है, शक को तो पीछे ही रखना चाहिए हमेशा। तो ईसवी सन में से 78 घटा देते हैं, जैसे 2020 ईसवी सन चल रहा है, 78 हमने माइनस किया तो 1952 आ जाता है। ईसवी सन की बात करें तो ईसवी सन में 12 महीने होते हैं। ईसवी सन में 12 महीने होते हैं, जनवरी से शुरू होते हैं, दिसंबर तक चलते हैं। आपको नोटिस में है, नॉलेज में है। अब विक्रम संवत के यदि 12 महीनों की बात करें तो विक्रम संवत के 12 महीनों में प्रथम महीना होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भादुआ भी कहते हैं, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो ये विक्रम संवत के 12 महीने होते हैं। एग्जाम में कई बार देखा कि चैत्र कौन से माह में आएगा, तो ईसवी सन से इनको यदि मैच करने की अपन कोशिश करें तो चैत्र आएगा मार्च में। ईसवी सन का कौन सा महीना मैच करेगा चैत्र से, तो मार्च अप्रैल मैच करेगा। वैशाख की बात करें तो अभी हमको आगे बढ़ाना है, अप्रैल मई में आएगा। ज्येष्ठ की बात करें तो ज्येष्ठ मई जून के आसपास आएगा। आषाढ़ की बात करें जून जुलाई, ऐसे इनको हमको आगे बढ़ाना है। श्रावण की बात करेंगे तो ये जुलाई अगस्त में होगा। तो ये आजकल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि श्रावण ईसवी सन के कौन से माह के समान होगा। तो अपन श्रावण की बात करें तो जुलाई या अगस्त में सावन आता है। भाद्रपद की बात करेंगे तो अगस्त सितंबर हो जाएगा। आश्विन की बात करेंगे सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। कार्तिक की बात करेंगे अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो हमको चैत्र का मोस्टली ध्यान रखना है, आगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चैत्र मार्च अप्रैल महीने के समान होता है, आगे अप्रैल मई, ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते जाना है। हमेशा विक्रम संवत के प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं। पहला जो पक्ष किसी भी महीने में विक्रम संवत में आता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है, और दूसरा जो पक्ष होता है
उसे अपन शुक्ल पक्ष कहते हैं। किसी भी माह में, चाहे मैं चैत्र की बात करूं, चाहे मैं आषाढ़ी की बात करूं, चाहे आश्विन की बात करूं, चाहे पौष की बात करूं, चाहे माघ की, किसी भी महीने में पहले पक्ष की बात करें तो प्रत्येक माह का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है। इसे बुधि भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष दूसरा पक्ष होता है किसी महीने का। कृष्ण पक्ष के समाप्त होते ही शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है किसी महीने में, और राजस्थान में इसे अपन सुदी भी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष सुदी एक ही बात है, कृष्ण पक्ष और बुधी एक ही बात है। 15 दिन कृष्ण पक्ष में होते हैं, 15 शुक्ल पक्ष में होते हैं। अब इनकी जो कृष्ण पक्ष की तिथि होगी वो प्रतिपदा या एकम से शुरू होगा। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, फिर आएगी अमावस्या। अमावस्या आते ही दूसरा पक्ष हो जाएगा शुक्ल, फिर वो तिथियां रिपीट होंगी प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, पूर्णिमा। तो ये देखिए भाई, आपको ये ध्यान रखना है, अमावस्या के बाद पक्ष चेंज हो जाता है। जब भी किसी महीने में अमावस्या आएगी पक्ष चेंज होगा, और जैसे ही पूर्णिमा आ जाती है महीना चेंज हो जाता है। किसी भी महीना में यदि पूर्णिमा आ जाएगी तो महीना चेंज हो जाएगा। जैसे चैत्र की पूर्णिमा आ गई बैसाख आ जाएगा, बैसाख की पूर्णिमा आ गई तो महीना चेंज होगा ज्येष्ठ आ जाएगा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा आ गई महीना चेंज हो जाएगा आषाढ़ आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अमावस्या के बाद पक्ष बदल जाता है और पूर्णिमा के बाद महीना ही बदल जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण तिथि होती है, इनका कोई पक्ष नहीं होता है। आप किसी भी तिथि पर बात करें, जैसे मैं आपको लिख दूं चैत्र सप्तमी, तो हमको यहाँ सोचना पड़ेगा शुक्ल पक्ष की सप्तमी है या कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। लेकिन अपन लिखें ज्येष्ठ एकादशी, सोचना ही पड़ेगा कौन से पक्ष की एकादशी है, शुक्ल की है या कृष्ण की है। लेकिन अपन कभी ये नहीं लिखेंगे चैत्र कृष्ण अमावस्या, ये डायरेक्ट लिखेंगे चैत्र अमावस्या, ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या। तो अमावस्या और पूर्णिमा का कोई पक्ष नहीं होता है, ये अपने आप में पूर्ण तिथि मानी जाती है। तक रिपीट कर दूँ, विक्रम संवत 57 जोड़ करके हम निकाल सकते हैं, सख संबंध निकालना है -58 करके निकाल सकते हैं। ईसवी सन में जैसे 12 महीना जनवरी से दिसंबर तक होते हैं, ऐसे ही चैत्र से फागुन तक विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने के दो पक्ष होते हैं, बुधी सुदी बोलें या कृष्ण शुक्ल बोलें। प्रतिपदा से अमावस्या तक, अमावस्या के बाद पक्ष चेंज हो जाता है, पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा के बाद महीना चेंज हो जाता है। बात करें प्रमुख त्योहारों की, प्रत्येक महा वार हम त्यौहार सीखने की कोशिश करेंगे कौन से माह में कौन से प्रमुख त्यौहार राजस्थान में मनाए जाते हैं। देखिए भाई, बात करें चैत्र के, चैत्र माह के त्यौहारों की अपन बात करें तो धूलेंडी, इस महीने में एक त्यौहार है धूलेंडी। धूलेंडी पहला महीना है चैत्र, और मैं अभी बता रहा था प्रत्येक महीने में पहला पक्ष कृष्ण होगा, कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, शीतल चीर पहन करके अग्नि में बैठी, उससे एक दिन पहले फागुन पूर्णिमा की बात थी। दूसरे दिन लोग बागों ने धूल मिट्टी पानी से आग को बुझाने का काम किया, तो वो धूल मिट्टी का जो त्यौहार है वो धूलेंडी के नाम से जाना जाता है। बात करें कृष्ण पक्ष में एक खास त्यौहार है शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, इसे बासवड़ा भी कहते हैं। बासवड़ा भी कहा जाता है। शीतला माता की पूजा की जाती है, सबसे बड़ा जो मेला है शीतला माता का चाकसू जयपुर में, इस तिथि को आयोजित होता है। जब शीतलाष्टमी मनाई जाती है उसी समय पर मारवाड़ क्षेत्र खूब एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तिथि में मारवाड़ क्षेत्र में एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है
त्यौहार है घुरला। तो शीतला अष्टमी की तिथि और घुरला की तिथि तो एक ही होगी, और तिथियों के ही प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। राजस्थान में घुरला त्यौहार मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक महीने में दो पक्ष हैं, चैत्र महीने की बात चल रही है। पहले पक्ष के ये दो खास त्यौहार आपके राजस्थान में मनाए जाते हैं, धूलेंडी और शीतलाष्टमी। अब अपन अगले शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में चैत्र में नव संवत्सर, संवत बदल जाता है विक्रम संवत। तो देखिए विक्रम संवत में पहला महीना चैत्र होता है, और चैत्र का पहला पक्ष कृष्ण होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष से नए संवत की शुरुआत नहीं मानी जाती है। 15 दिन जब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के निकल जाते हैं, बुद्धि पक्ष के निकल जाते हैं, तो नया संवत आता है, फिर नवरात्रा प्रारंभ। और एक त्यौहार है चैटी चंड। ये तीनों त्यौहार एक ही तिथि को मनाए जाते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब है एकम, पहली तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। हमको ये ध्यान रखना दोस्तों, चैत्र पहला महीना विक्रम संवत का हो सकता है, लेकिन चैत्र की शुरुआत होते ही संवत नहीं बदलता है, कृष्ण पक्ष पूरा चला जाता है। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा से नए संवत की शुरुआत राजस्थान में होती है। नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्राओं की खास बात यह है कि दोनों ही नवरात्र, शारदीय नवरात्र आते हैं आश्विन में, दोनों ही जो नवरात्र हैं शुक्ल पक्ष में ही शुरू होते हैं। अब हमको महीना याद रखना है, चैत्र में प्रारंभ होते हैं, आश्विन में प्रारंभ होते हैं, दोनों ही शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होते हैं, नए संवत की शुरुआत होती है। चैटी चंड सिंधी समाज का प्रमुख त्यौहार है, और सिंधी समाज के लोग संत झूलेलाल की याद में इस त्यौहार को भी इसी तिथि में मनाते हैं। अगला एक प्रमुख त्यौहार शुक्ल पक्ष में है भाई गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया, देखिए तृतीया तिथि के चार प्रमुख त्योहारों की बात करें तो भाद्रपद माह में आने वाली बड़ी तीज और कजली तीज ही ऐसी है जो कृष्ण पक्ष में आती है, बाकी गणगौर है, आखा तीज है, छोटी तीज या हरियाली तीज है। खास बात है तीनों ही तीज शुक्ल पक्ष में आती हैं, तिथि इनमें आती है, तृतीया महीना याद रखना है। तो गणगौर चैत्र माह में, गणगौर गण, गण का मतलब है शिव, गौर का मतलब है पार्वती, तो ये एक तरह से शिव और पार्वती की पूजा का त्यौहार है, इसे चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा गणगौर की जो सवारी है, गणगौर की सवारी खांकी प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। खास प्रश्न है राजस्थान की महिलाएं गणगौर के अवसर पर कौन सा नृत्य करती हैं, तो राजस्थान का सर्वमान्य लोक नृत्य घूमर, आपको ध्यान रखना घूमर जो नृत्य राजस्थान की संस्कृति में किया जाता है, कौन से त्यौहार से किया जाता है, तो गणगौर त्यौहार से संबंध है घूमर नृत्य का। राजस्थान की महिलाएं इस त्यौहार पर घूमर नृत्य करती हैं। धींगा गणगौर की जो सवारियाँ हैं उदयपुर और जोधपुर में मुख्य रूप से, दोनों स्थानों पर धींगा गणगौर के मेले आयोजित किए जाते हैं। तो ये गणगौर के बारे में एक फेमस कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों को लेके कुआं में गिरने का काम गणगौर का त्यौहार करता है। अच्छा प्रश्न एक आ जाता है कि राजस्थान में त्योहारों का समापन माना जाता है, तो लेडू भी गणगौर समाप्ति तो हो गई, तो त्योहारों का समापन माना जाता है गणगौर से। अब एक बिल्कुल अपोजिट प्रश्न है, वो यहीं पे आप याद कर लें, समापन गणगौर से माना जाता है लेकिन आगमन कब से माना जाता है, तो आगमन माना जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया से, और श्रावण शुक्ल तृतीया में आगे हम जिक्र भी करेंगे छोटी तीज हरियाली तीज का त्यौहार माना जाता है। तो ये दो तीज है गणगौर और छोटी तीज, एक दूसरे का अपोजिट मानो, गणगौर त्योहारों का समापन हो जाएगा, छोटी तीज हरियाली तीज से त्योहारों का आगमन हो जाएगा,
प्रश्न एग्जामों में दोनों ही प्रकार से आ जाते हैं, त्योहारों का समापन, त्योहारों का आगमन। तो समापन जो होगा गणगौर से होगा, आगमन जो होगा वो छोटी तीज या हरियाली तीज से माना जाता है। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की बातें हो रही हैं, नव संवत्सर, नवरात्र, चैटीचंड, गणगौर, रामनवमी का जो त्यौहार है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसके बाद के त्योहारों में अपन देखें तो महावीर जयंती, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। महावीर जयंती पर सबसे बड़ा जो मेला है महावीर जी का करौली जिले में आयोजित किया जाता है। वो मेला 5 दिन चलता है दोस्तों, और एक बार जेल प्रहरी में आया था कि महावीर जी का मेला जिस माह में आयोजित होता है तो केवल 5 दिन चलता है, लेकिन माह 2 चेंज हो जाते हैं। इस तिथि से शुरू होगा, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से, शुक्ल चतुर्दशी दूसरा दिन, चैत्र पूर्णिमा तीसरा दिन, पूर्णिमा के बाद महीना चेंज हो जाता है। तो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक, तो दिन तो होंगे केवल 5, लेकिन महीना 2 चेंज हो जाते हैं, चैत्र और वैशाख। जेल प्रहरी के पेपर में आया महावीर जी का मेला आयोजित किया जाता है, तो महावीर जी का मेला करौली जिले में सबसे बड़ा भरता है, और महीने इसके हो जाते हैं चैत्र वैशाख। उसके बाद जो त्यौहार है वो भी महावीर, आप जानते होंगे महावीर किसे कहा जाता है हिंदू धर्म में, तो हनुमान, महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ये त्योहार चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये चैत्र माह के दोनों पक्षों के, कृष्ण पक्ष में 2 प्रमुख त्यौहार है, धूलेंडी, शीतलाष्टमी और गुल्ला। शुक्ल पक्ष के त्यौहार कुछ नव संवत्सर है, गणगौर है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, महावीर जयंती है, हनुमान जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बात करें बैसाख के महीने की, तो बैसाख के महीने में दो प्रमुख त्यौहार हैं, बैसाख में एक तो आखा तीज, अक्षय तृतीया, ये त्योहार बैसाख शुक्ल तृतीया में मनाया जाता है। इससे प्रश्न जुड़े हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह कौन सी तिथि को होते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह आखा तीज को होते हैं, अक्षय तृतीया को होते हैं। गौर ये करना है क्यों होते हैं, तो अबूझ सावे वाला भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अबूझ सावे तो और तिथियों में भी होते हैं, जैसे देव उठनी एकादशी अबूझ सावा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बाल विवाह अबूझ सावा तो होता ही है, बैसाख का महीना होता है, किसान खेती बाड़ी से फ्री होता है, उसकी फसल पैदा भी हो जाती है, तैयार हो जाती है, बेच करके उसके पास पैसा भी आ जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह आखा तीज अक्षय तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को आयोजित होते हैं। बाल विवाह को कंट्रोल करने के लिए हरविलास शारदा के प्रयासों से एक एक्ट लागू हुआ, एक कानून लागू हुआ, शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट का संबंध है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह की रोकथाम से है, बाल विवाह को रोकने से है। इसी में एक बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। देखिए बुद्ध के जीवन की जो तमाम बड़ी घटना घटित हुई, जन्म को छोड़ते हैं, जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बैसाख पूर्णिमा को हुई, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में बैसाख पूर्णिमा को दिया था,
बुद्ध की मृत्यु हुई बैसाख पूर्णिमा को ही हुई थी। तो बुद्ध के जीवन की अधिकांश घटनाएं स्थिति से रिलेटेड हैं, स्थिति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब ज्येष्ठ माह में अपन बात करें ज्येष्ठ माह के प्रमुख त्योहारों की, तो ज्येष्ठ में एक त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, निर्जला एकादशी। तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, बिना जल पिए व्रत किया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को उसे निर्जला एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। अपन आषाढ़ महीने की बात करें, आषाढ़ में देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। देव शयनी एकादशी, देवता सो जाते हैं, शयन करने के लिए चले जाते हैं, शुभ कार्य अगले 4 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं, मांगलिक कार्यों पे एक हद तक रोक आ जाती है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। बाद गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरुओं की पूजा करने का त्योहार है। अब देखिए ईस्वी सन में भी हम पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विक्रम संवत के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अपन बात करें श्रावण माह की, तो श्रावण माह में अपन देखें कृष्ण पक्ष नाग पंचमी, नाग होते भाई काले, काले पक्ष को बोलते हैं कृष्ण। श्रावण कृष्ण पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से में, बाकी कुछ भागों में ये नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी में मनाया जाता है। तो ये दोनों ही पक्षों में मनाया जाता है, लेकिन यदि दोनों ही अलग अलग विकल्पों में, तो सही विकल्प मानना कृष्ण पंचमी को उचित होगा, बाकी कुछ हिस्सों में ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नागों की पूजा इस त्यौहार पर की जाती है, लेकिन हकीकत के नागों को पूजने की ज़रूरत नहीं है, नागों को दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में प्रत्येक पूजा का देश है, दीवारों पर गोबर के नाग बना लिए जाते हैं, उन्हीं को दूध पिला दिया जाता है। निड्री लोमी 2013 के राजस्थान पुलिस के पेपर में आया, काफ़ी कठिन। श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। इस त्योहार पर आपके राज्य में नेवलाओं की पूजा की जाती है, नेवलाओं की पूजा की जाती है। राजस्थान पुलिस 2013 के पेपर में यही आया राजस्थान में जिस त्योहार पर नेवलाओं की पूजा की जाती है। एक विकल्प बहुत खतरनाक, विकल्पों में ए में ही दे रखा था, नेवलाष्टमी, भाइयों ने नेवला से नेवला मिलाने की कोशिश की। तो नेवलाष्टमी तो कोई त्यौहार ही नहीं होता, अब त्यौहार ही नहीं है तो पूजा कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए नेवलाओं की जो पूजा राजस्थान में की जाती है श्रावण कृष्ण नवमी को निड्री नवमी के त्यौहार पर की जाती है। अब अपन बात करें शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज या हरियाली तीज का त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। थोड़े पहले मैंने आपसे जिक्र किया, ऐसा त्यौहार है जिससे राजस्थान में त्यौहारों का आगमन माना जाता है।
देखिए दो प्रश्नों पे अपन गौर करें दोस्तों। एक प्रश्न तो आपको हमने बताया त्योहारों का समापन, तो त्योहारों का जो समापन माना जाता है वो तो माना जाता है गणगौर से। एक आगमन, आगमन छोटी तीज या हरियाली तीज से माना जाता है। तीज की सवारी जयपुर की ही प्रसिद्ध है, आरटीडीसी का होटल तीज जयपुर में ही है। राजस्थान में राजस्थानी महिलाएं लहरिया नामक ओढ़नी कौन से त्यौहार पर ओढ़ती है, तो लहरिया नाम की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है राजस्थानी महिलाओं के द्वारा, वो छोटी तीज या हरियाली तीज पे ओढ़ी जाती है। रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिस्ट्री की साइड से एक खास प्रश्न आप जानते ही होंगे दोस्तों, राजस्थान में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय कौन सी रानी ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी, तो कर्मावती मेवाड़ की ऐसी रानी थी जिसने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तो ये श्रावण माह के कुछ खास त्यौहार थे। अपन भाद्रपद की बात करें, भाद्रपद माह में खूब त्योहार हैं। बात करें अपन कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, इसी को कहते हैं बूढ़ी तीज, इसी को कहते हैं कजली तीज, इसी को कहते हैं सातोड़ी तीज। ये त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था तृतीया का चौथा त्यौहार पढ़ रहे हो आप गणगौर, उसके बाद आपने बैसाख में आका तीज, उसके बाद आपने श्रावण में छोटी तीज या हरियाली तीज। सब तीज शुक्ल पक्ष में थी, लेकिन कजली काजल काला होता है, काले पक्ष को कृष्ण कहते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो कजली तीज का जो त्यौहार फेमस ढंग से मनाया जाता है राजस्थान में बूंदी जिले में मनाया जाता है। एक है हल षष्ठी, किसान लोग हलों की पूजा करते हैं, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है दोस्तों। एक हल षष्ठी के बाद जन्माष्टमी तो आप ये जानते ही, किसका जन्म मनाते हैं कृष्ण का, तो कृष्ण का खुद का जन्म कृष्णी पक्ष में है, तिथि इस त्योहार में दे रखी है अष्टमी, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑल इंडिया लेवल पर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध ढंग से ये त्यौहार मथुरा में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान लेवल पर बात करें तो राजस्थान लेवल पर नाथद्वारा राजसमंद में सबसे प्रसिद्ध ढंग से ये त्यौहार जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो भारत के लेवल पर मथुरा में और राजस्थान के लेवल पर नाथद्वारा में ये प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद बात करें गोगा नवमी, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो दोस्तों मारवाड़ के पंच पीरों में प्रसिद्ध लोक देवता हुए गोगा जी, उनकी पूजा का त्यौहार है गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। सबसे बड़ा मेला जो भरता है राजस्थान में गोगा जी का, इसी तिथि में नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। इसके बाद एक त्यौहार है कृष्ण पक्ष में ही बच्छ, इसे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। तो कृष्ण पक्ष के कुछ खास त्यौहार हैं। बड़ी तीज है, ऐसी तीज है जो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। हल षष्ठी, किसान लोग हलों की पूजा करते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गोगा नवमी, गोगा जी की पूजा का त्यौहार है, नौहर हनुमानगढ़ में मेला भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। अब भाद्रपद में ही हम शुक्ल पक्ष की बात और कर लें, तो शुक्ल पक्ष में भी कुछ त्यौहार भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। उनमें
गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाने वाला त्यौहार है गणेश चतुर्थी। ये त्यौहार देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। तो आज भी सबसे फेमस ढंग से इस त्यौहार को मुंबई में मनाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस तिथि को हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश जी का जो मेला भरता है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर ज़िले में सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। इसके बाद के त्यौहारों में अपन गौर करें तो एक त्यौहार आता है राधाष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, तो अब आप सीख लें जन्म कृष्ण का हो चाहे जन्म राधा का हो एक ही महीने में हुआ है। कृष्ण का जन्म भी भाद्रपद माह में हुआ, राधा का जन्म भी भाद्रपद माह में हुआ, दोनों की तिथि भी सेम है लेकिन पक्ष दोनों के अलग अलग हैं। जिसका जैसा कलर था वैसे उनके पक्ष हो गए। कृष्ण काले थे, काले पक्ष में उनका जन्म हुआ, राधा गोरी थी तो गोरे पक्ष में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ। तो दोनों का जन्म राधा का कृष्ण का भाद्रपद में हुआ, अष्टमी को हुआ, पक्ष दोनों के ही अलग अलग हैं। एक त्यौहार है तेजादशमी, ये त्यौहार भाद्रपद शुक्ल दशमी लोक देवता हुए राजस्थान के प्रसिद्ध तेजा जी, उनका त्यौहार है तेजादशमी। सबसे बड़ा मेला तेजा जी का इस तिथि में पर्वतसर पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद एक त्यौहार आता है जल झूलनी, जल झूलनी एकादशी, ये त्यौहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। जल झूलने एकादशी देवता सो जाते हैं आषाढ़ के महीने की शुक्ल एकादशी को, दो महीने बाद देवताओं को नज़दीकी जल स्रोत में स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है। तो जल झूलने जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है देवताओं को जल में स्नान कराया जाता है। ये त्यौहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है श्राद्ध पक्ष, तो ये पितरों को तर्पण करने का समय है श्राद्ध पक्ष। जो आदमी जिस तिथि को मृत्यु प्राप्त करता है उसी तरह तिथि में उसका श्राद्ध निकाला जाता है। तो ये 16 दिन का सिस्टम है। अब 16 दिन लेंगे अपन भाद्रपद पूर्णिमा, तो एक दिन तो आ गया इस महीने से भाद्रपद से, एक तिथि तो ये हो गई। अब पूर्णिमा के बाद मैंने आपको शुरू में बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, महीना चेंज हो जाता है। तो भाद्रपद की पूर्णिमा आ गई आश्विन, अब आश्विन में 15 दिन कब हो जाते हैं अमावस्या तक, तो आश्विन अमावस्या तक के 15 दिन तो ये हो गए, एक दिन अपन लेते हैं भाद्रपद माह से। तो टोटल जो पक्ष चलता है पितरों को तर्पण किया जाता है 16 दिन का होता है। तो 16 दिन में दो महीने लिए जाते हैं, एक तिथि तो भाद्रपद की आती है और एक तिथि आश्विन की आती है आसुर अमावस्या तक। तो दोस्तों इस पार्ट में आपने भाद्रपद माह तक के त्यौहारों का अध्ययन किया। यदि आप चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो अपडेट होते रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उनका समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।